और आज का जो विषय है वह भगवान को भोग क्यों लगाएं और कैसे लगाएं। तो देखिए, हम लोगों का जो प्रमुखता है, पेट भरता है, वो अन्न से भरता है। नहीं, अन्न के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई सर्वाइवल नहीं है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि कौन सी कंपनी है जो अन्न बनाती है? What is that company which produces grains? कौन सा? आशीर्वाद का आटा खाते हैं हम, तो आशीर्वाद वो कंपनी है, है? या नेचर फ्रेश का खाते हैं हम? वो चक्की क्या करती है, वो कंपनी क्या करती है? वो केवल आपको गेहूं पीस के दे देगी ना, उसको प्योरीफाई करके दे देगी, शुद्ध करके दे देगी, मगर वो गेहूं बनाती नहीं। गेहूं कहाँ से आती है? ग्रेन्स कहाँ से आता है? ना, मदर नेचर से आता है। तो मदर नेचर किसकी कंपनी है, किसकी फैक्ट्री है? आपकी, हमारी, हमारे पिताजी की। किसकी है? हाँ, हमारे पिताजी की है ना, हमारे परम पिता की है। पितामह स जगतो माता दाता पितामह, ना, जो हमारे परम पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनकी फैक्ट्री है प्रकृति, जिस प्रकृति से हमें अन्न मिलता है। तो जो व्यक्ति हर रोज हमें खाने को दे रहा है, तो उसके प्रति ग्रैटिट्यूड नहीं होना चाहिए हमें? तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, तो एक तो ये ग्रैटिट्यूड का भाव है कि भगवान आपने मुझे दिया है अन्न, तो थोड़ा सा इसका एक भाग मैं पहले आपको ऑफर कर रहा हूँ। खुद ले जाने, अंदर ले जाने से पहले मैं आपको ये अर्पित करना चाहता हूँ। तो ऐसी हम बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं प्रकृति से, तो भगवान बस यही चाहते हैं कि एक कम से कम ग्रैटिट्यूड का भाव तो हो, हम अनग्रेटफुल ना हो जाएं, कृतज्ञ ना हो जाएं। तो इस भाव से भी हम भगवान को भोग लगाते हैं। देखिए, भगवान एक साइकिल बनाया हुआ है। अन्न कहाँ से आता है? अन्न आता है वर्षा से। तो भगवान गीता में बताते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। कि ये जो अन्न है ये वर्षा से आता है। वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञ से आती है। और यज्ञ कैसे, यज्ञ करने से क्या होगा? जब अपने नियत कर्मों करते हैं तो यज्ञ होता है। तो ये भगवान ने हमें साइकिल दिया है। तो अन्न आएगा जब देवता प्रसन्न होंगे, और जो परम देवता हैं भगवान जब प्रसन्न होंगे। तो इसी प्रकार ग्रैटिट्यूड के भाव से हम जो अन्न हमारे पास आ रहा है, पहले उसको हम भगवान को अर्पित करते हैं कि भगवान आपने हमें दिया है। कई बार जब जॉब लगती है ना, तो पहली सैलरी किसको लाके देते हैं? माँ बाप को लाके देते हैं। बोले आपने पढ़ाया लिखाया है ना, आप उस समय ना अपना जो आपने अपना अन्न छोड़ा है, अपना ग्रेन छोड़ा था, अपनी मील्स छोड़ी थी ना, एक एक मील छोड़ते थे आप, हमारे लिए पैसा बचाते थे ना, उसी का आज ये फल है कि हम पढ़ पाए हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो पाए हैं और हमारी जॉब लगी है। तो ग्रैटिट्यूड के भाव से हम उनको अर्पित करते हैं। तो वही ग्रैटिट्यूड का भाव हमें लाना है कि जो भी कुछ हम खा रहे हैं भगवान का देन है। तो एक एक उससे पहले भगवान को हम ऑफर करते हैं, खुद पाने से पहले। तो हम क्या पाते हैं? हम भोग नहीं पाते हैं, प्रसाद पाते हैं। प्रसाद क्या है? प्रभु के साक्षात दर्शन। तो उस भाव, उस प्रसाद में हम भगवान को पहले उनका दर्शन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, भगवान आप ही इस भोग को देने वाले, इस प्रसाद को देने वाले हैं। मगर ये जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रीलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है कि ग्रैटिट्यूड का भाव। अगर हम और डीपर जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये जो प्रसाद है ये हमारे पापों को भी ले लेता है। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि जो अपने लिए भोजन पकाता है वो क्या खाता है? पाप खाता है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो जो अपने कारण के लिए भोजन पकाता है तो वो तो केवल पाप खाता है। तो यज्ञ शिष्टाशिनो संतो, तो जो संत लोग कौन होते हैं ना? संत लोग वो होते हैं ना जो सबका भला चाहते हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं ना। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वो संत जिनके हृदय में भगवान विराज करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे संतों के द्वारा जब उनको भोग अर्पित किया जाता है तो भगवान उसको प्रसाद में तब्दील कर देते हैं, और फिर उस प्रसाद से जितना भी पाप है वो ले लेंगे और आपको बिना पाप वाला ना पाप मुक्त प्रसाद दे देंगे। तो हमारे जो पाप है हमें उससे भी मुक्ति मिलती है भगवान का प्रसाद पाने से। और साथ में ये जो भगवान का प्रसाद है ये क्या है, ये भगवान ने इसको स्पर्श किया है। किससे? अपनी जीवा से ना। तो भगवान का जो रस है वो भी इसमें मिल गया है।
तो इसलिए जो प्रसाद है बड़ा ही प्योरीफाइंग भी है, बड़ा शुद्धिकरण करने वाला है, कि जिसके हृदय में, जिसके अंदर ये प्रसाद पहुंच गया तो उसका शुद्धिकरण होना तो निश्चित है, क्योंकि प्रसाद और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अगर आप प्रसाद पा रहे हैं मतलब साक्षात कृष्ण को अपने अंदर ले जा रहे हैं। अब कृष्ण अंदर पहुंच गए तो क्या करेंगे, वो तो टेढ़े हैं, है ना, तो सारी टेढ़ी चीज़ों को बाहर निकालेंगे, तो आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो भगवान केवल हमारे शरीर को नर्चर नहीं करते हैं, हमारे हृदय को भी पवित्र करते हैं, तो हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है प्रसाद पाने के माध्यम से। और स्वयं भगवान भी बोल रहे हैं गीता में, क्या करो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, कि जो भी मुझे पत्र पुष्प फल अर्पित करता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो भगवान भी चाहते हैं कि हम उनको ऑफर करें ना, बेशक हम 56 भोग नहीं ऑफर कर पाए, वो भगवान की इच्छा भी नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं ना, कुछ पत्ता ले आओ, कुछ पुष्प ले आओ, ना सब फ्री चीज़ें बताई हैं भगवान ने, पत्ता भी बाहर फ्री में मिलता है, मतलब जो पुष्प है फ्लावर है फ्री में मिल जाएगा, पानी फ्री में मिल जाएगा। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो भक्ति के भाव से मुझे अर्पित करो। एक्चुअली देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि देखो नॉन वेजिटेरियन आप मना करते हो खाने को, क्यों, क्योंकि उसमें पाप है, किसी को मार के खाना है आपको, मीट खाना है तो मारना पड़ेगा उस पशु को। मगर आप लोग भी तो हत्या करते हो पौधों की, पेड़ों की, फलों की, उनको भी तो तोड़ के खाते हो ना, तो उसमें भी तो पाप है कि नहीं। हाँ, पेड़ पौधों को खाने में भी पाप है, मगर हम क्या करते हैं, उन पेड़ पौधों को पहले भगवान को ऑफर कर देते हैं और फिर भगवान उसमें से सारा पाप निकाल लेते हैं, और अब जो भोजन है वो पाप मुक्त भोजन है, तो भगवान उसमें से सारा जो भी अहिंसा है वो दूर कर लेंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं आपको आपके सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, बस आके वो ना मेरी शरण में आ जाओ। तो ऐसी हाँ, वो पेड़ पौधे हम तोड़ते हैं काटते हैं उसमें भी पाप है, वो पाप मुक्त नहीं है, उसमें पाप है, मगर क्योंकि उन पेड़ पौधों को पहले हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, उस अनाज को भगवान को ऑफर कर रहे हैं, जो भी हम बना रहे हैं भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो अब वो उसमें कोई पाप नहीं है, भगवान उसमें से पाप ले लेते हैं, क्योंकि वो भोजन है हमारा, जीवो जीवस्य भोजनम। तो हमारा भोजन जो शेर का भोजन है वो नहीं है, शेर कभी हमारा भोजन खाने नहीं आता, मगर हम शेर का भोजन खाने चले जाते हैं। हमारा भोजन तो यही है ना, हम लोग अन्न के ऊपर निर्भर हैं, और वो अन्न भगवान हमें देते हैं पेड़ पौधों के माध्यम से, तो उसमें भी जो भी हिंसा है, जो भी पाप है, भगवान हमें उससे मुक्त कर देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आर यू वेजिटेरियन, तो प्रभुपाद जान गए ये चैलेंज करने आए, प्रभुपाद बोले नो वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन, जो कृष्ण खाते हैं हम वो खाते हैं, हम केवल वेजिटेरियन फूड नहीं खाते कि भाई जो भी अच्छा लगा यहाँ से तोड़ के खा लिया, यहाँ से तोड़ के खा लिया, हम पहले उसको भगवान को ऑफर करते हैं। तो जो कृष्ण चाहते हैं हम भगवान को ऑफर करते हैं, उसके बाद वो पाते हैं, वो प्रसाद बन के जब हम उसको स्वीकार करते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है। तो कोई बोल सकता है कि भैया ठीक है, फिर तो मीट भी भगवान को भोग लगा दें, भगवान को भोग लगाया, भगवान ने उसमें सारे पाप निकाल लिए, हम उसको खा लें। तो भगवान ने क्या बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने ये नहीं बोला अंडम मशनम चिकनम तोयम, है ना, वो बोला होता तो वो भी हम लगा लेते, हम तो क्या हैं, वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर कृष्णाटेरियंस। तो जो भगवान हमसे चाहते हैं हम वो करते हैं, तो भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वो हम भगवान को भोग लगाते हैं। साथ में जब हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो हम भगवान को अपने घर का, अपनी इच्छाओं का सेंटर मान के उनको अर्पित कर रहे हैं। सो कृष्णा इज आर सेंटर ऑफ आर लाइफ, क्यों, क्योंकि जब भोग लगाएंगे तो आप एक मंदिर बनाएंगे, मंदिर में भगवान को विराजेंगे ना, तो सुबह सुबह पत्नी पूछती है पति से क्या बनाऊं आपके लिए, तब ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, अब पति भी क्या बोलेगा, जो ठाकुर जी की इच्छा है वो आप बनाइए ना, क्योंकि अब ठाकुर जी विराजमान है ना, वो हमारे घर के अध्यक्ष हैं, तो उनकी सेवा के लिए जो भी बन पाएगा हम वो करेंगे। तो कृष्णा विल बिकम द सेंटर ऑफ आर लाइफ। अब अगला प्रश्न आता है कि आपने भगवान को भोग तो लगा दिया, मगर क्या भगवान ने खाया उसको, कभी दिखा तो है नहीं, दो गुलाब जामुन लगाए तो दो वापिस, चार समोसे लगाए चार समोसे वापिस, खाया क्या उन्होंने, ये तो आप लोगों की बस मनोभ्रांति है कि आप लोग बस ठाकुर जी के सामने रख देते हो प्लेट और फिर वैसी वैसी प्लेट वापस आ जाती है। तो अल्टीमेटली देखिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि जितने आपने लगाए वो वापस मिल गए,
अगर आपने दो गुलाब जामुन लगाए और खाली प्लेट मिली, आज के बाद भोग नहीं लगाएंगे आप। यार ये सब कुछ अपड़ करके हमारे लिए क्या है ना? चार समोसे लगाए भोग आपने और एक ही बचा, आपस में लड़ाई हो जाएगी घर वालों, बोले किसका है ये, मेरा है ना। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान पा भी लेते हैं और एज इट इज उसको उतना अमाउंट में वापस भी दे देते हैं। मगर कैसे पाते हैं? तो हम लोग तो मुख से पाते हैं ना, मगर भगवान को अपने मुख से पाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी और इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्ति मानती पश्यांति पांति कल्यांति चिराम जगांति ना। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान के सारे अंग दिव्य हैं ना, और वो किसी भी एक अंग से दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। तो भगवान खाते हैं, किसी भी अंग से खा सकते हैं, मगर जनरली भगवान कैसे खाते हैं? अपनी आंखों से खाते हैं। तो भगवान दृष्टिपात करते हैं, उस भोजन को स्वीकार करते हैं, उसमें से सारा पाप हर लेते हैं, उसमें अपनी मिठास भर देते हैं और प्रसाद के रूप में हमें दे देते हैं। देखिए कितनी कृपा है भगवान की। और एज इट इज उतने, दो गुलाब जामुन चार समोसे, कोई कमी नहीं है उसमें। जैसे होली के समय में, पहले के समय में क्या करता था, लोग स्वीट्स एक्सचेंज करते थे, तो अपने यहाँ पे डोलची लेके जाएंगे और उनको दे देंगे सामने वालों को, पड़ोसियों को, और पड़ोसी क्या करेंगे फिर डोलची में से जो आपका सामान है वो निकाल लेंगे और आप आपकी डोलची भर देंगे अपनी स्वीट से और आपको वापस दे देंगे। अब कोई तीसरा व्यक्ति देखे, बोले क्या चल रहा है ना, डोलची लेके गए डोलची वापस, डोलची लेके गए डोलची वापस, और भरी की भरी लेके गए भरी की भरी वापस, हुआ क्या? उसको समझ नहीं आएगा। मगर यहाँ तो पूरा एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे ही भक्त जानते हैं कि हाँ, भगवान को हमने प्लेट अर्पित करी तो वो भोग अर्पित किया, मगर भगवान ने उसमें वो पा लिया और अपना जो प्रसाद है, अपना जो टेस्ट है वो मिक्स करके हमें प्रसाद दे दिया। तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ लव। इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ते अपृच्छति, कि केवल मेरे को वो भोजन नहीं चाहिए, वो जो सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं, जो व्यंजन आप अर्पित कर रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? भक्तिया प्रेक्षति, उसमें भक्ति का मसाला लगा के दो यार। अब खाली प्लेन दे दोगे क्या मजा उसमें? दाल लगाया उसमें तड़का नहीं लगाया, मजा क्या उसमें? ऐसी भोग लगाया मगर वहां पे भक्ति का तड़का नहीं लगाया, तो क्या लाभ है उसका? तो मेन जो प्रमुख इंग्रेडिएंट है दैट इज लव। तो हम भगवान को प्रेम से ऑफर करेंगे तो भगवान वो स्वीकार करेंगे। युधिष्ठिर दुर्योधन ने भगवान को बुलाया अपने घर, और विदुर रानी ने भी बुलाया। दुर्योधन बोलता है ठाकुर जी, ठाकुर जी तो नहीं बोला उसने है ना, ओ कृष्णा आओ मेरे घर आओ, 56 भोग बनाया मैंने तुम्हारे लिए, आओ स्वीकार करो उसको। कृष्णा बोले मैं क्यों आऊँ तुम्हारे पास है ना, मेरा तुम्हारा संबंधी क्या है ना, सॉरी आई कैनॉट कम टू योर प्लेस। बेशक तुमने 56 भोग बनाया है, बेशक बहुत सारी वैरायटी है, मगर मैं तो चल रहा हूँ विदुर रानी के पास है ना। उसने बस सिंपल सी खिचड़ी बनाई है, साग बनाया, मैं वही खा लूंगा, मगर उसमें क्योंकि प्रेम मिला हुआ है, उसका जो टेस्ट है तुम्हारे 56 भोग के टेस्ट से 1000 गुना अच्छा है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। तो ये भगवान है भक्त भावग्रही जनार्दन, भक्तों के भाव को वो स्वीकार करते हैं। तब प्रश्न आता है कि कैसे हम भगवान को भोग लगाएं? बहुत सिंपल है ना? तो सबसे पहले तो भगवान को भोग लगाने के लिए हमारे घर में ठाकुर जी विराजमान होने चाहिए। अब बोल सकते हैं कि नहीं हमारे घर में तो विग्रह नहीं है, नहीं विग्रह की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपके घर में फोटो है तो वो फोटो भी भगवान के ही समान है। तो श्रीमद् भागवतम बताती है कि 8 प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान को पूज सकते हैं, उनके जो विग्रह हो सकते हैं। तो 8 प्रकार से कौन है वो? लेप्या लेख्या च शक्ति मनोमयी मनोमयी अष्टविधा प्रतिस्पिधा। सो शैली दारू मही लोही लेप्या लेख्या च शैकति मनोमयी मनीमयी। तो ये 8 प्रकार से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं ना। तो भगवान का विग्रह वुड का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, बालू का भी हो सकता है, पेंटिंग से भी बना हो सकता है, इवन कुछ भी नहीं है तो मन से बना हुआ विग्रह भी हो सकता है, मणियों से बना विग्रह हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान के विग्रह होते हैं, मगर कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो पेंटिंग वाला तो समझ आता है हमें ना। तो भगवान की फ़ोटो अगर आप ले आते हैं तो वो भी भगवान से अभिन्न है। तो फोटो रखिए अपने घर में, एक ऑल्टर बनाइए, मंदिर बनाइए, उसमें भगवान की फ़ोटो रखिए, और फिर भगवान के लिए अलग से बर्तन होने चाहिए आपके पास, सेपरेट वेसल्स। वो बर्तन नहीं जिसमें आप खाते हैं, वो झूठे हैं, तो भगवान के अलग बर्तन हो।
उसमें आपको कुक करना है, और क्या कुक करना है, जो भगवान ने बताया है, जो एप्रोप्रिएट आइटम्स नहीं है उनको ऑफर नहीं करना है। जैसे प्याज लहसुन भगवान को ऑफर नहीं होता है, चाय कॉफ़ी भगवान को ऑफर नहीं होती है, कोई भी नॉन वेजिटेरियन फूड भगवान को ऑफर नहीं होता है, मशरूम भगवान को ऑफर नहीं होती है ना, मसूर की दाल भगवान को ऑफर नहीं होती है ना, तो ये कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। बाकी दुनिया में जितनी चीज़ें आप ऑफर कर सकते हैं, अब खैर बुद्धि लगानी पड़ेगी कि आप अफीम ऑफर करें, बोलिए तो आपने बताया नहीं था, आपकी लिस्ट में नहीं है, तो वो कॉमन सेंस आपको यूज़ करनी पड़ेगी। मगर भगवान ने बहुत सारी सब्जियां दी हैं, बहुत सारे फल दिए हैं, फ्रूट्स दिए हैं, दूध दिया है, दही दिया है, तो ये सब ऑफर करिए भगवान को। मगर ये बस जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं उनको यूज़ मत करिए। तो पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी कि क्यों हमें चाय कॉफ़ी अनियन गार्लिक नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे आप कुक करिए, और जब आपने कुक कर लिया तो उसको टेस्ट मत करिए, क्योंकि पहले टेस्ट करने के हकदार कौन है, भगवान है। आजकल हम जब हमें पता नहीं था उससे पहले हम टेस्ट कर लेते थे उसको, थोड़ा देखे तो सही ना, क्या नमक नमक कम तो नहीं हो गया इसमें, मिर्चें ठीक तो है कि नहीं, तो टेस्ट नहीं करना है ना ही स्मेल करना है, अनइंटेंशनली चला जाए ठीक अंदर, मगर ये नहीं सूंघ सूंघ के देख रहे हैं उसको, बोले मस्त घी का हलवा बनाया, ऐसा भी नहीं करना। तो सब हकदार भगवान है उसके, उसको स्वीकार करने के। तो फिर आप उस प्लेट में वो भोग रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर तुलसी का पत्र रखिए, और जब ये तुलसी का पत्र रखेंगे, क्योंकि भगवान बिना तुलसी के स्वीकार नहीं करते हैं भोग। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हमारे पास तो योग्यता नहीं है भगवान को भोग लगाने की, मगर हम तुलसी जी का आधार लेते हैं, उनका आश्रय लेते हैं कि आप तो कृष्ण के प्रेयसी हैं, तो आपके माध्यम से हमारा भोग स्वीकार किया जाएगा। और फिर जब भगवान के सामने वो भोग आपने रखा थाली में, तो हम मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्रोच्चारण किस लिए, भगवान का आह्वान करने के लिए, भगवान को बुलाते हैं। तो कौन कौन से मंत्र हम उच्चारण कर सकते हैं ना, तो प्रभुपाद अपने जो हमारे जो गुरु हैं उनका मंत्र उच्चारण करना चाहिए सबसे पहले। अगर अभी गुरु जी नहीं धारण किया आपने, तो प्रभुपाद जी का मंत्र बोलिए, तो गुरु जी का मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का मंत्र, और फिर आप भगवान श्री कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का मंत्र बोलिए, चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोलिए, नमो महावदन्य कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिश नमः, फिर नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, और फिर पंचतत्व मंत्र, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। अब कोई बोलता है ये मंत्र मुंतर नहीं आते जी हमें, तो कोई नहीं, आप 12 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए और ठाकुर जी को भोग लगाइए। ये तो महामंत्र है, सारे मंत्रों का इष्ट है ना, सर्वोपरि है, तो इस मंत्र से भी भगवान स्वीकार करेंगे अगर और कोई मंत्र नहीं आता आपको। और फिर भगवान के सामने वो भोग रख दीजिए कुछ समय, तो जितने समय आपको लगता है उस भोजन को पाने के लिए, उतना समय ठाकुर जी के लिए रखिए। और ये वो पर्दे वाला गेम मत खेलिए, पर्दा खोला अंदर डाला ना, 5 मिनट में निकाल लिया बाहर, और ठाकुर जी का पर्दा खुलता ही इतनी बार है जितनी बार हमें खाना खाना होता है, वह 3 बार खोला अंदर डाले 3 बार निकाल लिया बस, फिर पर्दा बंद ही बंद है नहीं। और अब प्रश्न आता है कि कितनी बार भोग लगाना है भगवान को, तो उतनी बार भोग जरूर लगाना है जितनी बार आपको खाना है। कई बार लोग सोचते हैं कि बस एक बार सुबह सुबह लगा दिए हमने भोग हो गया, ऐसा नहीं, जो भी आइटम आप खाना चाहते हैं उससे पहले उसको भगवान को भोग लगाना है। चाहे वो दिन में आपको 10 बार भूख लगती है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के बीच में 3-4 बार स्नैक्स हो जाता है, तो वो आइटम भी आपको बार बार भगवान को भोग लगाना है। और प्रयास कीजिए बाहर का जो भोजन है उसको त्यागने का, अगर त्याग नहीं सकते तो उसको मिनिमाइज करने का प्रयास कीजिए। बाहर के जो बिस्किट्स हैं नमकीन्स हैं उसकी आवश्यकता नहीं है भक्तों को खाने की, पता नहीं किसने मनाया है, किस चेतना से मनाया है ना, तो भक्तों के द्वारा ही कुक होना चाहिए प्रसाद होगा, और भक्तों के द्वारा ही ऑफर होना चाहिए, ये विधि है। तो प्रयास कीजिए है ना, अगर बिल्कुल बंद नहीं कर सकते तो मिनिमाइज कीजिए उसको है ना, घर में भी ये सारी चीज़ें बन जाती हैं तो भगवान को ये ऑफर करेंगे तो भगवान उसमें ना सारा पाप निकालेंगे और अपना टेस्ट उसमें भर देंगे। अब भगवान को आपने भोग लगा दिया तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद उस प्रसाद को आपको पाना भी है। सो ऑनरिंग प्रसाद, हम प्रसाद को खाते नहीं हैं, हम प्रसाद को ऑनर करते हैं, पाते हैं उसको ना, क्योंकि तो स्वयं कृष्ण है वो, तो वो भाव से पाना है कि ये आइटम नहीं है, ये पनीर नहीं है, ये पिज्जा नहीं है, ये भगवान का प्रसाद है, भगवान ने इसको पाया है और ये भगवान से अभिन्न है। तो जब ये उसमें हम भगवान देखने लग जाएंगे तो फिर वो आइटम नहीं रहेगा ना, वो दिव्य वस्तु बन जाएगी, भगवान के द्वारा छुई हुई है ना, भगवान के द्वारा टेस्ट की हुई है, और उसी मूड से उसको स्वीकार भी करना है। और इसलिए हम क्या करते हैं, प्रसाद पाने से पहले हम प्रार्थनाएं बोलते हैं उस मूड को कल्टीवेट करने के लिए। महाप्रसादे गोविंदे
नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यमतां राजन् विश्वासने व्रजायते शरीरा विद्या जाल जड़ेन्द्रिया ताहे काल जीव फेले विषय सागरे तारे मध्ये जीवाती लोभ माया सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करीवार जीवा जय स्वप्रसादन दिलो भाई सही अन्ना मृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो हर जो एक्टिविटी करें हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी उससे पहले भगवान का स्मरण जरूर करें। तो इवन प्रसाद हम पा रहे हैं तो पेट की भूख मिटाने के लिए वो नहीं खा रहे हम, उसमें वो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। तो उससे पहले भी हम क्या करें, भगवान का स्मरण करें, तब जाके हमारा प्रसाद भोगा बनाना, भोगा ऑफर करना और भोग को पाना ये पूर्ण होगा। महाप्रसाद की, और महाप्रसाद की कितनी महिमा है ना, कितने कितने लोग तर गए हैं केवल प्रसाद पाने से। हमें इस ये जो चार दीवारी इस मंदिर की, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है पता करने के लिए ना, हम सब लोग विटनेस हैं। किसके लिए आए थे हम मंदिर में ना, 80-90% का तो ये ना मानना है कि प्रसाद क्या टेस्टी प्रसाद होता है। अरे और छोड़े, खिचड़ी इतनी टेस्टी होती है, बाकी तो बात है। क्यों? क्योंकि ये साधारण नहीं है, नहीं ऑर्डिनरी फूड नहीं है, ये प्रसाद है। एक बार एक हमारे भक्त थे, कुरियन कंपनी में काम करते थे, होंडा था वो। वहाँ पे वो भक्त बन चुके थे और बार बार उनकी मंदिर जाने की इच्छा होती थी। अब मंदिर गए तो फिर वहाँ से निकलने की इच्छा नहीं होती, तो ऑफिस लेट हो जाता था। कभी सुबह भागवतम क्लास में बैठे तो खिचड़ी क्लास, तो फिर ऑफिस लेट पहुँचे। तो वहाँ तो ये जो कुरियन चाइनीज जापानीज बेल्ट है पूरी बड़ी डिसिप्लिन है, मतलब 9 बजे का ऑफिस है तो 9:01 भी हो गया तो एब्सेंट लगा देंगे, आपकी छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको। तो अभी थोड़ा लेट पहुँचते थे, क्या करें। उन्होंने एक सोचा कि बस इनको दोस्त यारी दोस्ती करनी पड़ेगी इनसे, मगर वो इतने प्रोफेशनल होते हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं, बस काम से काम रखते हैं अपना। तो इन्होंने क्या किया, दोपहर में जब लंच टाइम होता था तो मंदिर से कुछ कुकीज़ ले आए और कुकीज़ को डाल दिया एक ट्रांसपेरेंट जार में और उसका जो ढक्कन है खोल के रख दिया साइड पे, और अपनी सीट पे छोड़ के चले जाते थे कहीं और। अब सोचिए, अब ये कुरियन लोग आते थे इधर उधर घूमते हुए, बोले ये क्या है, बड़ी अट्रैक्टिव सी बड़ी कुकीज़ लग रही हैं और ढक्कन भी खुला है, बंदा भी नहीं है। अब डिसिप्लिन तो भैया यहाँ काम नहीं आएगा। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ आ जाते थे, थोड़ा सही थोड़ा देखा, हाथ डाला बीच में, खाया। अब खाया तो क्या खाया, कुकीज़ नहीं खाई, क्या खाया, प्रसाद खाया। तो कृष्ण घुस गए अंदर। अब कृष्ण परमात्मा के रूप में यहाँ भी बैठे हैं और उनके हृदय में भी बैठे हैं। तो ये भक्त जो इच्छा करते थे यहाँ पे, भगवान वो इच्छा पूरी कर देते उनकी। तो कभी 9:30 तो इनको पहले कुरियन वालों को पता लगा, तो बोले वो आई थिंक आप थोड़े लेट हो गए, यू हैव गॉट लेट, नो प्रॉब्लम, यू कैन स्टे हाफ एन आवर लेट, यू कैन फिनिश योर वर्क, नो प्रॉब्लम, वी हैव नो प्रॉब्लम। बस लाते रहो बिस्किट कुकीज़ लाते रहो, वी हैव नो प्रॉब्लम। तो ऐसे करके वो भी ना बड़े सपोर्टिव हो गए, बहुत फेवरेबल हो गए। ऐसे कई बार वो लोग बोलते हैं कि हमारे घर वाले बड़े रिजिड हैं ना, बड़े क्रूर हैं, हमें भक्ति करने नहीं देते, हमें मंदिर आने नहीं देते हैं। तो बस एक ही अस्त्र है हमारे पास ना, तो एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का अस्त्र है और दूसरा अस्त्र है महाप्रसाद गोविंद। तो मंदिर से कुछ चरणामृत लेके जाइए, कुछ प्रसाद लेके जाइए, उनके थाली पर रख दीजिए, बोलिए मत प्रसाद है, फिर मानेंगे नहीं, वो सिंपल रख दीजिए और वो जब हृदय में जाएगा तो कृष्ण अपना काम करेंगे। तो हमारा काम है कृष्ण को देना और कृष्ण का काम है उनको भक्त बनाना, उनको आपके अनुकूल करना। इस प्रकार हमारा जो भक्ति जीवन है वो भी बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा स्मूथ हो जाएगा प्रसाद के माध्यम से। महाप्रसाद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा